हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। ठीक है, 2024 के इलेक्शंस फाइनली ख़त्म हो चुके हैं और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। आप सभी लोगों को पता है किस पार्टी को कितने कितने वोट्स मिली हैं, आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, मोटा मोटा देखें तो अब हमारे एग्जाम्स पे इलेक्शन की वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो NDA की ही बनेगी। ठीक है, बीजेपी को इस बार 240 सीट्स मिली। ठीक है, 50% सीट्स इकलौता बीजेपी तो नहीं ले पाया, बट लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट जो NDA की बनेगी उसमें ओवरऑल अगर देखें मैक्सिमम वोट्स बीजेपी के लिए ही हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे प्रधानमंत्री जो पहले थे वही बनेंगे। तो चीज़ें गवर्नमेंट एग्जाम्स में जैसी चलती भी आ रही थी पिछले एक साल में, दो साल में, तीन साल में, वैसे ही चीज़ें कंटिन्यू होगी। कोई मेजर चेंज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, CGL की कुछ वैकेंसी जो ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी हैं, 15,000 समथिंग मैंने आपको दिखाया था, वही अब उसमें जो डिपार्टमेंट्स ने रिपोर्ट नहीं करी है वो और आएंगी, और बाकी उसमें चेंज हो बात अलग है, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी बदलाव आने वाले हैं पॉलिसीज की वजह से। ठीक है, तो अपनी तैयारी आप अच्छे तरीके से करिए। SSC का वेंडर का क्या चल रहा है वो मैंने SSC जो गवर्नमेंट की टेंडर वाली वेबसाइट है वहां से चेक किया था, तो मैंने आपको 3 से 4 दिन पहले भी वीडियो बना के बताया था कि कोई बदलाव उसमें नहीं हुआ है पिछले 2 से 3 महीने के अंदर। लेकिन मैंने इसके लिए RTI भी लगा दी थी, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मान लो टेंडर वाली वेबसाइट पर कोई चीज अपडेट नहीं होती है लेकिन इंटरनली SSC में कुछ चल रहा हो तो RTI के माध्यम से क्या पता चल जाए, क्योंकि SSC ने 3 तरह के टेंडर्स निकाले थे। क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए कौन वेंडर होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर कौन प्रोवाइड करेगा, और कहाँ पे जाके टेस्ट होगा, टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी कौन सी होगी, लैब्स किसकी होंगी, एंड ऑल डेट। तो उसके लिए मैंने RTI लगाई थी कि सिलेक्शन पोस्ट CHSL और आपका CPO एग्जामिनेशन 2024 का कौन कराएगा उसके बारे में अपडेट दे दीजिए, तो उसका रिप्लाई आ गया वो दिखा दूंगा, और आपको आगे प्रिपरेशन में आप क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, तो पूरी वीडियो देख लेना। ठीक, तो सबसे पहले तो SSC ने अपडेटेड कैलेंडर दिया था एग्जाम डेट्स का इलेक्शन की वजह से। तो आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर का जो एग्जामिनेशन है वो 5th, 6th और 7th जून को होना था, तो आज से एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, एडमिट कार्ड पहले ही आ चुके थे इसके। तो ये एग्जाम तो TCS ही करा रहा है क्योंकि अभी तक कोई भी एजेंसी फाइनलाइज नहीं हुई है। अब बचे ये 3 एग्जामिनेशन जिसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। एग्जाम का स्टेटस आपको एग्जामिनेशन डेट से लगभग 10 दिन पहले तो मिल ही जाता है हर रीजन का, है ना, और एडमिट कार्ड 4 से 5 दिन पहले आता है, यह ध्यान रखिएगा। तो जैसे सिलेक्शन पोस्ट आपका 24, 25 और 26 में है, तो हो सकता है कुछ रीजन का 10 से 15 तारीख के बीच में ही एडमिट कार्ड स्टेटस आने लग जाए कि कौन सी सिटी में आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम टाइमिंग क्या होगा। तो मतलब ये एग्जाम अगर किसी एजेंसी को कराना तो अब तक सारी चीजें फाइनलाइज हो जानी चाहिए थी, तभी वो एजेंसी एग्जाम करा पाती। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अभी तक अगर सारी चीजें फाइनलाइज नहीं हुई तो ये एग्जाम आपका TCS कराएगा, ये वाला एग्जाम भी TCS और ये वाला भी। मैं एक बार RTI रिप्लाई दिखाता हूं आपको, उससे कुछ और चीजों पे भी नजर हमारी डलेगी। ये टेंडर वाला स्टेटस है जो मैंने पहले भी दिखाया था कि इसमें अभी फाइनेंशियल बीड वाला प्रोसेस चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, और देखते हैं आगे जाके, हो सकता है किसी को भी अगर SSC नहीं देता है टेंडर तो फिर क्या चीजें होंगी वो भी देखने वाली चीज होगी। लेकिन फिलहाल तो आप ये समझिए कि यहां पे 3 चीजें पूछी गई थी कि तीनों टेंडर्स मतलब किस किस को मिले हैं, या फिर जो एग्जाम कराएगा CPO सिलेक्शन पोस्ट और CHSL का वो कौन सी बॉडी है तीनों केस में। तो SSC का रिप्लाई आया है 4 जून को, मतलब कल रिप्लाई आया है, एजेंसी येट टू बी डिसाइडेड, अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। फिर तीनों एजेंसी डिसाइड होगी उनका, फिर उनके कंबाइंड एफर्ट्स के साथ एग्जाम कराया जाएगा। तो ये तीनों एग्जाम जिसकी SSC ने डेट दे दी है, अगर ये एग्जाम इन्हीं डेट्स पे होने हैं तो आपका TCS ही एग्जाम कराएगा, ये लिखवा लो आप। तो अपनी तैयारी TCS पैटर्न पे ही 100% रखो, कोई भी नई चीजों के पीछे ज्यादा मत भागो कि ये वेंडर हो गया तो ऐसा हो सकता है, ये वेंडर हो गया तो ऐसा हो गया। TCS का जो पैटर्न चलता हुआ रहा है पिछले साल में जितने भी SSC ने एग्जाम्स कराए हैं, ठीक है, TCS पैटर्न पे उनके सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, और जो एग्जाम कर आप देने वाले हो उसके पिछले 3 से 4 साल के पेपर्स अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करोगे, कुछ भी नई चीज आपको दिखेगी नहीं एग्जाम में। क्या ये चीज छोटी सी क्लियर हो गई? तो आप श्योरिटी मान के चलो कि अगर इन्हीं डेट्स पे एग्जाम हो रहा है तो TCS ही कराएगा, ये 100% अब श्योर हो चुका है। ठीक है, चलेंगे आगे अब हम। चलो, ये इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर एजेंसी वैसे तो SSC को यहाँ पे ये करना चाहिए था, क्योंकि हमें भी समझ आ रहा है कि एग्जाम TCS को ही कराना है, तो SSC ये लिख देता कि दीज एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड बाय TCS ओनली, तो हमारे लिए चीजें और आसान हो जाती। येट टू बी डिसाइडेड में SSC ने ये कर दिया कि अगर बाई चांस उनका मन करा तो पेपर को पोस्टपोन कर दें और फिर जो नई एजेंसी है उससे एग्जाम कराएं, तो वो डजेंट मेक एनी सेंस कि SSC ने कैलेंडर भी दे रखा है, कोई न्यू डेट्स का भी कुछ नहीं बताया, तो उन्हीं डेट्स पे एग्जाम होगा और TCS कराएगा। ठीक है, बाकी ये CGL की जो ऑलरेडी रिपोर्टेड वैकेंसीज हैं वो मैंने आपको दिखाई, और
आप लोगों के लिए जो सीपीओ 2023 के सारे नोट शीट विद डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने आरबी की वेबसाइट पे फ्री रखे हुए हैं, आप सभी लोग जाके दे सकते हैं। सिलेक्शन पोस्ट फेस 11 के, ग्रेजुएशन मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी लेवल के सारे पेपर्स विद डिटेल्ड सॉल्यूशन आरबी की वेबसाइट पे फ्री मिल जाएंगे। सीएचएसएल 2023 टीयर 1 के भी सारे पेपर्स आरबी की वेबसाइट पे फ्री मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो डिटेल सॉल्यूशन होंगे वो स्टार्टिंग के 8 शिफ्ट्स के होंगे, बाकी के अभी नहीं है। ऐसे सीएचएसएल के और बाकी एग्जाम्स जो भी एसएससी के होते हैं उनके सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स क्विज फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फ्री लाइव टेस्ट संडे को होता है वो तो आप देते ही हैं, साथ के साथ जीके के पीवाईक्यू चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे। मतलब आपको फिजिक्स के अपना टेस्ट देना है तो फिजिक्स में तो किस एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन है डायरेक्टली टेस्ट फॉर्म में आप यहाँ पे दे सकते हैं, प्रीवियस एसएससी के पिछले 2-3 साल के डाले हुए हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे सेक्शंस के आपको यहाँ पे मिलेंगे, स्टैटिक के भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे टेस्ट हमने आप लोगों के लिए फ्री रखे हुए हैं, इसे देते रहिए, ठीक है। अच्छे से जो चीज फ्रीली मिल रही है कम से कम उसे तो अच्छे से यूटिलाइज कीजिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। करंट अफेयर्स की मैंने पीडीएफ आपको मार्च एंड तक की दे दी थी, जो ईबुक अपडेट करके मई एंड तक की अपडेट होकर आपको 12 जून के आसपास तक मैं दे दूंगा, ठीक है। अभी मई के करंट अफेयर्स उसमें अपडेट होंगे, फिर उसके बाद मैं आपको शेयर करूंगा। और जो टॉप 100 करंट अफेयर्स की हम वीडियो डालते हैं वो भी अभी 4-5 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी, तो वो वीडियो भी देख जाना तो बेस्ट रहेगा, ठीक। अगर आगे बढ़ते हैं, मैथ्स की आपको प्रैक्टिस करनी है तो यूट्यूब पे एक फ्री सीरीज है, ठीक है। ये सभी लोगों को बोल रहा हूँ, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, आपको लगता है मैथ्स में टीचर के साथ प्रैक्टिस की नीड है, आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन एक बार देखना है, तो ये प्लेलिस्ट रामबाण की तरह आपका काम करेगी। अगर ये प्लेलिस्ट भी आप अच्छे से कर लेते हैं तो जो जो टॉपिक्स इस प्लेलिस्ट में मैंने कराए हैं उसके 80% से ज्यादा सवाल आप आराम से कर पाएंगे। मतलब किसी टॉपिक, मतलब हर एक टॉपिक का जो भी क्वेश्चन बन रहा है अर्थमेटिक, आपने यहाँ पे बहुत कम टाइम में रेलिवेंट क्वेश्चंस के साथ ये चीजें कराई गई हैं, ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लेलिस्ट मैथ्स के लिए जरूर देखिए, आप कोई और प्लेलिस्ट देखिए या मत देखिए, ठीक है। बाकी कुछ और प्रैक्टिस सेशंस भी मैं डालूंगा, जैसे सीएचएसएल सिलेक्शन पोस्ट और सीपीओ के मिक्स करके चैप्टर वाइज जो भी बेस्ट क्वेश्चंस होंगे उनके प्लेलिस्ट मैं जल्दी क्रिएट करूंगा वीडियो सॉल्यूशन के साथ, लेकिन फिलहाल ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बेस्ट है अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी टेस्ट दो ज्यादा से ज्यादा, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, ऑलरेडी ठीक ठाक स्कोर कर रहे हो हर सब्जेक्ट में, तो ज्यादा से ज्यादा आप डेली बेसिस पर टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। जो चीजें छुट्टी भी है तो वो आप कोशिश करिए कि 10 जून तक ही, अगर कुछ आपको अलग कवर करना है 10 जून तक कवर कर लीजिए, उसके बाद कोई भी नई चीज को हाथ मत लगाइए, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, इंग्लिश ग्रामर का क्रैश कोर्स की 3 वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये 3 वीडियो से क्रैश कोर्स आप कवर कर लीजिए। अगर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के हैं तो आप कनेक्ट भी कर पाएंगे और इजीली हो सकता है एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे, क्योंकि टॉप जो रूल्स हैं जो एसएससी बार बार पूछता है वो यहाँ पे डिस्कस हो रखे हैं। जीके नहीं पढ़ा है और आपको पढ़ना है तो इसमें बहुत ही लिमिटेड टाइम में क्रैश कोर्सेस करवा रखे हैं। लगभग 3 घंटे के आसपास फिजिक्स का क्रैश कोर्स है, 3 घंटे का ही बायोलॉजी का, और 3 घंटे का ही लगभग केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स की वीडियो अपलोडेड है, 4 घंटे की पॉलिटी की और 5 घंटे की इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इसमें फिर कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले आपके ज्योग्राफी का भी क्रैश कोर्स हम डलवा दें। तो ये बहुत ही एक्चुअल जो कोर्स होगा, जैसे फिजिक्स का अगर आप एक्चुअल डिटेल्ड कोर्स देखेंगे कोर्सेज के अंदर, वो 20 घंटे का होगा, 22 घंटे का होगा, ऐसी बायोलॉजी का 20-30 घंटे का होगा, केमिस्ट्री का 20 घंटे के आसपास का होगा, पॉलिटी का भी 20-21 घंटे के आसपास होगा। अगर हम इकोनॉमिक्स का देखें 40-50 घंटे का क्रैश कोर्स, मतलब डिटेल्ड कोर्स होता है। तो अगर आप क्रैश कोर्स से कर लेते हैं तो ये होता है कि आप 50% से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपने ये करा है इन टॉपिक्स के, ठीक है। तो हेल्पफुल होगा क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे कवर कराई जाती हैं। क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि कम टाइम में मैक्सिमम आपको फायदा मिल जाए, और जैसे जैसे हम ज्यादा चीजें पढ़ते रहते हैं तो फिर जो उसकी इंपॉर्टेंस होती है वो धीरे धीरे थोड़ी सी कम होती रहती है, कि ज्यादा पढ़ने पर कम स्कोर इंक्रीज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कम पढ़ने पर ज्यादा स्कोर इंक्रीज होता है जब आप क्रैश कोर्सेस की यूज मत लेते हैं। तो वो अच्छे से कर लेना, बस वीडियो मत देखना, जो भी चीजें क्लास में बताई गई उसे साथ साथ याद भी करते हुए चलना, तभी वो एग्जाम में यूज कर पाओगे, वरना वीडियो देखने का जीके में कोई मतलब नहीं बनता। 3 घंटे की वीडियो है, कम से कम आपको 9-10 घंटे लगेंगे उसे वीडियो देख के याद करने में, तो टाइम अगर हो तभी आप उस चीज को टच करें। और बाकी मेन फोकस अपना मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग पे तो आप रखें जिन्होंने जीके नहीं पढ़ा है। बाकी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है, करंट अफेयर्स में एक वीडियो डाली थी, अगर आपको जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स करने तो पूरे साल भर के टॉप 500 करंट अफेयर्स पूरे, उसकी पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को दे रखी है, पूरे 2023 के टॉप 500 करंट अफेयर्स वाली वीडियो कर लेना, 2023 के सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट जो है वो कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं 2024 को या 2025 को, तो ऑफिसर बैच से जुड़ सकते हैं अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। अब एक महीना, मतलब जो ये महीना है आपके, 20 दिन के बाद लगभग एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस से बिल्कुल बचिए, अपने नोटिफिकेशंस जो हैं यूट्यूब वगैरह के आप अभी फिलहाल बंद कर दीजिए, जब भी पढ़ाई करें इंटरनेट को ऑफ करके पढ़ाई करें,
टेस्ट टाइम टू टाइम देते रहे, ठीक है, और 10 तारीख के बाद तो डेली का एक टेस्ट जरूर देना, ठीक है, जो भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट हो, डेली का एक टेस्ट फिक्स कर लो कि मुझे एक टेस्ट तो डेली का मॉक देना ही देना है। ऐसा भी कर सकते हैं, एक न्यू मॉक दे लिया, एक प्रीवियस ईयर वाला दे दिया, इस तरीके से चलता रहो। एग्जाम में जाने से पहले एग्जाम को अटेम्प्ट करने की हैबिट आपकी होनी चाहिए। अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैंने अलग से वीडियो में बताई रखा है, ठीक है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें वो भी डिस्कस किया हुआ है। तो अब बस सीरियस हो जाओ, लग जाओ, 20 दिन में भी बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना जो आपने पूरे साल भर में या 6 महीने में पढ़ा है, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी रिविजन करना इंस्टेड ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।